अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेकर आए हैं न्यू वीडियो। मेरा नाम वसीम। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है मथुरा एंड सवाली गोट फार्म का। और आज जो बात करने वाले हैं नस्ल के बारे में, तो आज आपको यहाँ की नस्ल दिखाएंगे, बरबरी एंड सुरोई, और तोतापरी भी हैं यहाँ, जो भी नस्ल हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये सारा यहाँ का लॉट है और ये आप देख रहे हैं, इसमें सुरोई भी हैं और कुछ तोतापरी भी हैं, बरबरी भी हैं, बकरी भी हैं, सोजत भी हैं और खस्सी बकरे भी हैं, जो कि इसके लिए अगले साल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बरबरी माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी आप देख रहे हैं, बड़ी साइज वाली खड़े कान में, जो कि 2 से 3 भी बच्चे देती हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फार्म है मथुरा, और ये इसका पता है एड्रेस तिवारीपुरम। और ये आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको 2 नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं। आप आना चाहते हैं तो यहाँ का पता है बस स्टैंड, जैसे कि रेलवे आप उतरते हो तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, ये आपको रिसीव कर लेंगे और इनके फॉर्म पर आप आ सकते हो। जैसे कि कोई रहना चाहता है, 1-2 दिन ठहरना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसके लिए भी इन्होंने सेवा उपलब्ध की हुई है, जो कि बहुत बेहतरीन इनकी यहाँ पर सेवा है। और इनके फार्म पर ही आप रुक सकते हो, लाइव ही आप बकरी पालन करना सीख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर जैसे कि आपको नया बकरी फार्म स्टार्ट करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला गया है, तो आप वहाँ से और यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप 1-2 भी लेना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको इस वीडियो में पसंद आ रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और ये दोनों ही नंबर व्हाट्सएप है, और दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर क्लिक कर दीजिए। आपको जौन सी भी पसंद आएगी उसका प्राइस बता देंगे और आप ले सकते हैं यहाँ से, 1-2 भी मंगा सकते हैं जो कि ट्रेन से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये बकरी सुरोई है, बरबरी है, कोई सी भी बकरी आपको यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें से आप स्क्रीनशॉट मारें और 1-2-3 जितनी आप चाहें यहाँ से ट्रेन में आपको रिसीव, ट्रेन में आपको ये पहुँचा देते हैं, बिल्टी वगैरह जैसे कि होती है, और आपको ये आपके घर, आपके जहाँ भी आप पता दोगे वहाँ पहुँचा सकते हैं। ट्रेन वगैरह में जाती हैं, आप वहाँ से स्टेशन पे उसको रिसीव करना, तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है 1-2 वाला। और जैसे कि कोई लेना चाहता है 20-25, तो उसके लिए आपको गाड़ी करनी होगी, जो कि एक छोटी गाड़ी पिकअप भी होती है और एक गाड़ी होती है जैसे कि कैरी होती है, जैसे कि बड़ा गाड़ी होती है। तो आप अगर 20 भी ले सकते हैं तो एक छोटी गाड़ी जो आपके आप अपने यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ से माल ले आ सकते हैं, जो कि इनका काम अभी यहाँ से हफ्ते भर में गाड़ी जाती रहती है। तो आप भी यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी ये माल जो है आप देख रहे हैं, जितना भी ये ऑर्डर पे लगा हुआ है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 5 है, अब जो भी आता जाएगा उसको ये माल पहुँचाते जाएंगे। और जैसे कि 1-2 आपको लेनी हो तो वो अलग से आपको दे देंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एडवांस भी पड़ी रहती हैं सैंपल, तो उसको आप देख सकते हैं। और ऑर्डर आपका होगा तो आपको उतना टाइम दिया जाएगा उस हिसाब से। एडवांस वगैरह की बात है कोई दिक्कत नहीं, आप एडवांस ऐसा होता है जैसे कि आपको विश्वास नहीं है, ऐसे ही इनको जैसे फार्मर होते हैं उनको भी विश्वास नहीं होता है। जैसे कि आप कोई चीज़ को रोकना चाहते हो, लेना चाहते हो, बहुत से उसको बोल देते हैं, उसका फिर रुकने का खर्चा वगैरह बहुत हो जाता है, तो उसके लिए एडवांस ये लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप भी समझदार हो, जैसे आप कोई बकरी ले रहे हो तो आपको एडवांस देना होगा, ताकि इनको भी विश्वास हो जाए कि आप यहाँ से बकरी लेते हो। जैसे कि अगर आपने एडवांस नहीं दिया और यहाँ पर ये इनको चराते हैं और आपका अंतर करते हैं, आप नहीं पहुँच पाए, तो आपको भी फिक्र लगी रहेगी अपने एडवांस की और इनको भी फिक्र लगी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट है, GST दे रहे हैं फार्म, ये ओरिजिनल 1 नंबर फार्म है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं।
और आप यहाँ का आधार कार्ड वगैरह जो भी आपको चाहिए वो मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस देने से पहले आप पूरा प्रूफ दे सकते हैं, GST वगैरह देते हैं। काफ़ी पुराना फॉर्म है, काफ़ी टाइम से ये बहुत बड़ा फॉर्म है। और ये मखदूम शाह यार जी, पहले मखदूम शाह यार जी है, उसके बाद स्टार्ट किया है, उन्हीं को देख कर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले किया था, देख सकते हैं आज इस मुकाम पर हैं। और आप भी सही जगह पर से माल लें, ज़्यादातर सुरोई पे काम करते हैं, बरवरी पे भी करते हैं, तो सुरोई वाले यहाँ से बेधड़ लोगों को ले सकते हैं। बरवरी वाले भी देख सकते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी इन्होंने रखी है, क्योंकि मखदूम फार्म वाली तो आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, उसके लिए इतना कहाँ से लाएंगे। तो क्या है, जैसे कि किसान वाली होती हैं बरवरी, वो ज़्यादा देते हैं, पर छोटे साइज़ की ना लें, बड़े साइज में सेलेक्ट करें, उससे फ़ायदा रहेगा। पैसा आप पूरा दोगे किसी को 12,000 का रेट, तो आप बड़े साइज़ की लें, थोड़ा पैसा ज़्यादा डालें, लेकिन फार्म में अच्छा काम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।